गुड मॉर्निंग एवरीवन आज हम देखेंगे चैप्टर 32 टू कीमोथेरेपी ऑफ माइक्रोबियल डिसीज का पार्ट थ्री तो इससे पहले के पार्ट में हमने सल्फोना को डिस्कस किया था उसके बाद एंटीबायोटिक्स पार्ट चालू किया था जिसमें हमने एंटीबायोटिक्स इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया डिस्कस किए थे आज हम एंटीबायोटिक्स इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया स्टार्ट कर रहे हैं तो इसमें जो है स्ट्रेप्टोमाइसिन, कैनामाइसिन जेंटामाइसिन नियोमाइसिन फ्रेमिसिटिन ये सब एंटीबायोटिक्स आते हैं जो कि ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट इफेक्टिव होते हैं तो ये जितने भी एंटीबायोटिक्स है इसमें जो है अमाइनो अमाइनोशुगर्स होती है जो कि ग्लाइकोसाइडिकली लिंक होती है एक मेक के साथ तो इसका जो मेन एग्जाम्पल है और मेन ड्रग जो है वो है स्ट्रेप्टोमाइसिन स्ट्रेप्टोमाइसिन ऑप्टेंड फ्रॉम बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस एंड इज अ ऑर्गेनिक बेस विच फॉर्म्स वाटर सोल्यूबल सॉल्ट तो स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है ये स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस नाम के बैक्टीरिया से मिलता है और ये बेस इन नेचर होता है और बेसिक फॉर्म में होता है जो कि वाटर सोल्यूबल सॉल्ट बनाता है और यही वाटर सोल्यूबल सॉल्ट जो है फर्दर पेशेंट्स को दिया जाता है इसकी एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी देख लेते हैं ऑर्गेनिज्म यूजुअली सेंसिटिव टू स्ट्रेप्टोमाइसिन आर माइकोबैक्टेरियम ट्यूबरक्यूलोसिस कोलाय एंड एच इन्फ्लुएंजा एंड ब्रूसेला तो ये जो बैक्टीरिया के नाम है माइको बैक्टेरियम और एम ट्यूबरक्यूलासिस सीज़ेला ई कोलाय एच इन्फ्लुएंजा ब्रूसेला ये सभी जो है ये स्ट्रिप्टोमाइसिन को सेंसिटिव है तो ये बैक्टीरिया से जो भी इन्फेक्शन होता है और डिसीज होता है उसे क्योर करने के लिए स्ट्रिप्टोमाइसिन बहुत अच्छा काम करता है

तो स्ट्रेप्टोमाइसिन को एज अ बैक्टेरियोस्टेटिक भी यूज कर सकते हैं और एज अ बैक्टेरी करके भी यूज कर सकते हैं सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन वेरी करना है लो कॉन्सेंट्रेशन में स्ट्रेप्टोमाइसिन बैक्टेरियोस्टेटिक करके काम करेगा मीन्स बैक्टीरिया का ग्रोथ स्टॉप करेगा और हाई कॉन्सेंट्रेशन में बैक्टेरियइडल करके काम करेगा मीन्स बैक्टेरिया को किल करने का काम करेगा इसके बाद हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो स्ट्रेप्टोमाइसिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में क्या होता है ये हम देख रहे हैं द राइबोसोम्स मैन्युफैक्चर डिफरेंट एंजाइम अंडर द डायरेक्शन फ्रॉम एम आर एन ए इन बैक्टेरियल सेल तो जो बैक्टेरियल सेल होते हैं बैक्टेरियल सेल जो भी इंफेक्शन प्रोड्यूस करते हैं उनके अंदर एम आर एन ए होता है और ये एम आर एन ए क्या करता है गाइड करता है राइबोसोम्स को अब राइबोसोम्स कहाँ होते हैं ये भी बैक्टीरियल सेल में ही प्रेजेंट होते हैं तो बैक्टीरियल सेल का जो एम आर एन ए है वो राइबोसोम्स को गाइड करता है टू मैन्युफैक्चर डिफरेंट एंजाइम तो डिफरेंट एंजाइम मैन्युफैक्चर करने के लिए बैक्टीरियल सेल में का एम आर एन ए गाइड करता है राइबोसोम को तो राइबोसोम फिर क्या करता है वेरियस एंजाइम को मैन्युफैक्चर करता है अब हमारा स्ट्रेप्टोमाइसिन यहाँ आता है तो जो भी पेशेंट को कोई पर्टिकुलर बैक्टीरियल सेल से इन्फेक्शन हुआ है तो स्ट्रेप्टोमाइसिन अगर हम वो पेशेंट को देते हैं तो स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या करता है वो बैक्टीरियल राइबोसोम्स के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है और कंबाइन हो जाता है जिसके वजह से एमआरएनए और राइबोसोम कॉम्बिनेशन में इंटरफेरेंस आ जाता है तो स्ट्रेप्टोमाइसिन ये बीच में आ गया तो जो कम्युनिकेशन है एम और राइबोसोम्स का वो इंटरफेयर हो जाता है क्यों हो जाता है क्योंकि स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है राइबोसोम के साथ कॉम्प्लेक्स बना जा, लेता है और कंबाइन हो जाता है जिसके वजह से एम के लिए राइबोसोम अवेलेबल नहीं रहता इसके लिए दूसरा भी हाइपोथेसिस है इसमें बोला है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन इंड्यूसेस राइबोसोम्स टू मैन्युफैक्चर पेप्टाइड चेन कंटेनिंग एसिड एंड अल्टरनेटिवली डिस्ट्रॉय द बैक्टीरियल सेल तो सेकंड हाइपोथेसिस भी मोर और लेस सेम ही है तो इसमें जो बोला है कि भाई स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या करता है राइबोसोम को गाइड करता है टू मैन्युफैक्चर पेप्टाइड चेन पेप्टाइड चेन से क्या बनता है प्रोटीन बनता है और पेप्टाइड चेन किससे बनती है पेप्टाइड चेन बनती है अमाइनो एसिड तो अमाइनो एसिड से पेप्टाइड चेन और पेप्टाइड चेन से फिर प्रोटीन बनता है तो स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या करता है राइबोसोम को एक सिग्नल भेजता है जिसकी वजह से और उसके साथ कंबाइन होने के बाद राइबोसोम्स का जो एक्टिविटी है उसे अल्टर कर देता है जिसके वजह से राइबोसोम जो है ये पेप्टाइड चेन बनाता है बट रॉन्ग अमाइनो एसिड का बनाता है तो जिसके वजह से जो बैक्टीरियल सेल है उसका ग्रोथ जो है वो हैम्पर हो जाता है और बैक्टीरियल सेल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं ड्यू टू रॉन्ग पेप्टाइड चेन और ड्यू टू पेप्टाइड चेन कंटेनिंग रॉन्ग अमाइनो एसिड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेडेली डेवलप रेजिस्टेंट टू स्ट्रेप्टोमाइसिन तो स्ट्रेप्टोमाइसिन को माइक्रो ऑर्गेनिज्म ईजीली रेजिस्ट हो जाते हैं मीन्स जैसा ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्ट्रेप्टोमाइसिन एक्सपोज होता है कुछ समय के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम उसे झेल नहीं पाता और उसे हैंडल नहीं कर पाता बट कुछ समय के बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म म्यूटेट हो जाता है और वो एक अपना डिफेंस मेकनिज्म डेवलप कर लेता है जिसके वजह से स्ट्रेप्टोमाइसिन फिर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने में और उसका ग्रोथ रोकने में असमर्थ रहता है और अनेबल रहता है अब स्ट्रेप्टोमाइसिन के एडवर्स रिएक्शंस देख लेते हैं तो फर्स्ट है लोकल इरिटेशन। द ओरल स्ट्रेप्टोमाइसिन मे कॉज नोशिया एंड वोमिटिंग ऑन इंट्रामस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन फीवर में डेवलप तो स्ट्रेप्टोमाइसिन अगर ओरली लेते हैं कोई पेशेंट तो उन्हें नोशिया और वोमिटिंग होती है मीन्स जी मचलना और उल्टिया होती है अगर कोई पेशेंट को इंट्रामस्कुलरली स्ट्रेप्टोमाइसिन दिया गया तो उसमें फीवर भी डेवलप होता है और बुखार आ जाता है इसके अलावा इंटॉलरेंस यह एक एडवर्स रिएक्शन है कंसिस्टिंग ऑफ स्किन रैशेस, एक्सपोलियटिव डर्मेटाइटिस और प्लास्टिक एनेमिया में डेवलप तो कुछ पेशेंट को स्ट्रेप्टोमाइसिन सूट नहीं होता वो टॉलरेट नहीं कर पाते जिसके वजह से जब भी वो कंज्यूम करते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन तो उनके स्किन पे रैशेस पड़ने लगती है उन्हें जो डर्मल लेयर है उस पर एक्सपोलेटिव अपीयरेंस आता है मीन्स स्केली अपीयरेंस आ जाएगा इसके अलावा उनमें अप्लास्टिक एनीमिया डेवलप होता है जिसमें जो ब्लड सेल है ब्लड सेल का बोन मैरो जो है सॉरी बोन मैरो जो है ब्लड सेल जो है वो सिंथेसाइज नहीं कर पाता और क्रिएट नहीं कर पाता जिसके वजह से वो पेशेंट में एनेमिया डेवलप हो जाता है इसमें द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सीवियर एडवर्स इफेक्ट है डैमेज टू एट क्रैनियल नर्व जिसे हम ऑडिटरी नर्व बोलते हैं तो कुछ पेशेंट में जो है इसका जो एडवर्स इफेक्ट है वो एट क्रैनियल नर्व पे पड़ता है जिसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन एट क्रैनियल नर्व को डैमेज कर देता है जिसे हम ऑडिटरी नर्व बोलते हैं इसका एक्यूट स्टेज में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है आपको सुनाई देने में बट जैसा ही इसका क्रोनिक फेस में ए, आ, क्रोनिक स्टेज आ जाता है वहां पर सॉरी लेबर होता है तो ये जो चीज है ये क्रोनिक स्टेज में होता है और ये सबसे सीवियर एडवर्स इफेक्ट है आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन का इन सम केसेस माइल्ड अल्बिन अल्ब्यूमिनेरिया एंड रिनल रिटेंशन हैव आल्सो बीन रिपोर्टेड तो कुछ कुछ केसेस में पेशेंट को माइल्ड अल्ब्यूमिन यूरिया होता है मीन्स यूरिन में अल्ब्यूमिन प्रोटीन का एक्सक्रीशन होता है कुछ पेशेंट में जब भी वो पेशेंट स्ट्रेप्टोमाइसिन का ट्रीटमेंट लेता है और कुछ पेशेंट में रीनल रिटेंशन मीन्स यूरिन रिटेंशन भी दिखता है तो ये सब एडवर्स इफेक्ट है स्ट्रेप्टोमाइसिन के अब प्रिपरेशन और डोजेज हम देख लेते हैं तो स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट इसका टैबलेट आता है और ये आईपी में ऑफिशियल है इसका डोज जो है पॉइंट फाइव टू टू ग्राम डेली होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट टैबलेट पॉइंट फाइव टू टू ग्राम डेली इन डिवाइडेड डोज इसके बाद स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट जो कि सॉल्ट फॉर्म है स्ट्रेप्टोमाइसिन का इसका इंजेक्शन आता है ये भी आईपी में ऑफिशियल है इसका भी डोज जो है पॉइंट फाइव टू वन ग्राम डेली बाय इंट्रामस्कुलर रोड रूट ये मार्केट में अवेलेबल है इसके बाद स्ट्रेप्टोमाइसिन की थेपेटिक यूज देख लेते हैं ट्यूबरक्योलासिस में स्ट्रेप्टोमाइसिन यूज करते हैं इससे पहले हमने देखा था कि भाई स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है एम ट्यूबरकोलासिस जो बैक्टीरिया है उसको बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है इसके बाद यूरिनरी ट्रैक इंफेक्शन ईकोलाय e से जब भी होता है और एंटेरोकोका से जब भी होता है तो ऐसे कंडीशन में स्ट्रेप्टोमाइसिन एज ए ट्रीटमेंट दे सकते हैं उसके बाद मेनिंजाइटिस में भी स्ट्रेप्टोमाइसिन ये कॉमनली यूज होता है बट सल्फोनामाइड के कॉम्बिनेशन के साथ उसके बाद बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस में भी ये यूज़ होता है इससे पहले हमने देख लिया है एंडोकार्डाइटिस क्या होता है जो हार्ट होता है हार्ट में जो वेंट्रिकल्स होते हैं वेंट्रिकल्स में जो सबसे थिकेस्ट लेयर होती है मायोकार्डियल लेयर वहाँ पे जब इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग होता है ड्यू टू बैक्टेरियल इन्फेक्शन मीन्स बैक्टेरियल इन्फेक्शन के वजह से जब वो मायोकार्डियम लेयर में स्वेलिंग और इन्फ्लामेशन होता है उसे हम बोलेंगे एंडो कार्डाइटिस और बैक्टीरियल एंडोकारटाइटिस तो उसमें भी स्ट्रेप्टोमाइसिन एज अ ट्रीटमेंट यूज होता है उसके बाद रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन इसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन इन कॉम्बिनेशन विद ओरल क्लोरमफेनिकॉल और टेट्रासाइक्लिन इज यूजफुल तो रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में जो है स्ट्रेप्टोमाइसिन क्लोरमफेनिकॉल के साथ और टेट्रासाइक्लिन के साथ देते हैं जो कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव है उसके बाद प्लेग में भी स्ट्रेप्टोमाइसिन एज ए ट्रीटमेंट करके यूज होता है इसके बाद ये स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है इंटेस्टिनल असेप्सिस में ओरली दिया जाता है और एक्यूट बैसिलरी डिसेंट्री में भी इसको एज अ ट्रीटमेंट दिया जाता है मीन्स जो जी रिलेटेड जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसमें भी स्ट्रेप्टोमाइसिन एज अ ट्रीटमेंट करके दिया जाता है अब हम नेक्स्ट कैटेगरी देखेंगे एंटीबायोटिक इफेक्टिव अगेंस्ट बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया तो ऐसे एंटीबायोटिक देखेंगे जो कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया दोनों के अगेंस्ट इफेक्टिव है मींस ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है इसमें आते हैं सेमी सिंथेटिक पेनीसिलिन जिसमें एम्पीसीलिन फिटासिलिन एंड कार्बेनिलिन आते हैं जिसमें का हमने एम्पिसलिन ऑलरेडी देख लिया है सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स में इसके बाद रिफामाइसिन सिफेलोस्पोरिन टेट्रासाइक्लिन एंड क्लोरमफेनिकॉल ये भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स में आते हैं जो कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट बहुत अच्छे से काम करते हैं तो इसमें दो ड्रग हमें देखना है टेट्रासाइक्लिन और क्लोरम फेनिकॉल तो फर्स्ट हम देखते हैं टेट्रासाइक्लिन केमिकली दीज आर नेफ्थेन डेरिवेटिव तो टेट्रासाइक्लिन क्या है नेफ्थलिन डेरिवेटिव है द वेरियस साइक्लिन डिफर ओनली स्लाइटली इन स्ट्रक्चर तो टेट्रा में अलग अलग डेरीवेटिव है जो कि बहुत ही छोटे छोटे डिफरेंस से आ, अलग है मींस उसमें जो केमिकल स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही छोटा छोटा डिफरेंस है उनमें जिसके वजह से अलग अलग टाइप के टेट्रासाइक्लिन्स बने हुए हैं। द तो क्लोरोटेट्रासाइक्लिन हैज बीन आइसोलेटेड फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस ऑरियोफेसियस तो ये स्ट्रेप्टोमाइसिस ऑरियोफेसियस से क्लोरोटेट्रासाइक्लिन नाम का एंटीबायोटिक बनता है दूसरा है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन ये स्ट्रेप्टोमाइसिन रिमोसस नाम के जो बैक्टीरिया है वहाँ से आइसोलेट किया हुआ है और डिराइव किया है तो ये दो टाइप के टेट्रासाइक्लिन है जो स्ट्रेप्टोमाइसिस कैटेगरी के ही है स्टेप्टोम स्ट्रेप्टोमाइसिस जीनस के ही है बट इसका स्पीसीज जो है वो अलग है अब इसका एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी देखते हैं दिस ड्रग्स आर इसेंशियली बैक्टेरियोस्टैटिक एंड अलोंग विथ क्लोरम आर कॉल्ड ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक तो ये जो ड्रग है टेट्रासाइक्लिन ये बैक्टीरियोस्टैटिक इन नेचर है मीन्स ये जो बैक्टीरिया का ग्रोथ है उसे स्टॉप करता है बट इसको अगर क्लोरम के कॉम्बिनेशन के साथ देते हैं तो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक करके काम करते हैं मीन्स ये दोनों का कॉम्बिनेशन सिंगल तो ये सिर्फ बैक्टीरियोस्टैटिक करके ही काम करता है बट क्लोरोमफेनिकॉल और टेट्रासाइक्लिन को अगर हम कॉम्बिनेशन में देते हैं तो ये दोनों एंटीबायोटिक एज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक करके यूज होते हैं अब ये क्यों यूज होते हैं बिकॉज दे आर इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव ऑर्गेनिज्म तो दोनों बैक्टीरिया जो है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव इनके अगेंस्ट ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है इसके अलावा सर्टेन फंगाए रके क्लैमिडिया ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट भी जो है ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है तो अभी हम इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं तो टेट्रासाइक्लिन इनिबिट सर्टेन इसेंशियल एंजाइम सिस्टम ऑफ बैक्टीरियल सेल तो ये भी जो है एंजाइम सिस्टम जो है बैक्टीरियल सेल का उसको इनिबिट करता है इससे पहले हमने स्ट्रेप्टोमाइसिन देखा था उसमें भी जो है एंजाइम सिस्टम जो है बैक्टीरियल सेल का वो स्ट्रेप्टोमाइसिन इनिबिट करता है अभी हम टेट्रासाइक्लिन देख रहे हैं इसमें भी जो है बैक्टीरियल सेल का इसेंशियल एंजाइम सिस्टम जो है उसे इनिबिट करने का काम टेट्रासाइक्लिन करता है प्रोटीन सिंथेसिस बाय राइबोसोम इज इमीजिएटली इनिबिटेड बाय टेट्रासाइक्लिन सेम स्ट्रेप्टोमाइसिन जैसा ही यहां पे भी जो है राइबोसोम जो प्रोटीन सिंथेसिस करता है उसे टेट्रासाइक्लिन इनिबिट करता है टेट्रासाइक्लिन चिलेट सर्टेन कटायंस लाइक कैल्शियम एंड मैग्नेशियम विच आर इसेंशियल फॉर फंक्शनल एक्टिविटी ऑफ वेरियस एंजाइम सिस्टम ऑफ़ द बैक्टीरिया तो टेट्रासाइक्लिन जो है ये एज अ चिलेटिंग एजेंट करके काम करता है और जो कैल्शियम और मैग्नेशियम होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फंक्शनल एक्टिविटी करते हैं बैक्टीरिया के एंजाइम सिस्टम में उसे टेट्रासाइक्लिन क्या कर लेता है ट्रैप कर लेता है और उसके साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेता है जो भी कैल्शियम और मैग्नेशियम जिसकी ज़रूरत बैक्टीरिया को है बैक्टीरिया के अंदर के जो एंजाइम सिस्टम है उसके फंक्शन के लिए जो है वो कैल्शियम और मैग्नेशियम के साथ टेट्रासाइक्लिन क्या कर लेता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेता है जिसके वजह से जो एंजाइम सिस्टम है बैक्टीरिया के अंदर का उसका फंक्शन जो है और फंक्शनल एक्टिविटी जो है वो हैम्पर हो जाता है और इनिबिट हो जाता है और बैक्टीरिया जो है अपना ग्रोथ नहीं कर पाता द टेट्रासाइक्लिन फॉर्म्स इंसोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बाय चिलेशन विथ कैल्शियम एंड हैस सब्सटेंस लाइक मिल्क that contain कैल्शियम एंड amino एसिड रिड्यूस their absorption तो ये ग्यू रीजन में बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि भाई टेट्रा को जो है ये कैप कैल्शियम कंटेनिंग कंपाउंड्स के साथ और मिल्क के साथ क्यों नहीं लिया जाता तो बहुत बार ये ग्यू रीजन आता है तो उसमें हमें यही चीज़ लिखना है कि टेट्रा जो है ये चिलेटिंग एजेंट जैसा काम करता है और ये कैल्शियम जो है मिल्क के अंदर उसके साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेता है तो जब भी टेट्रासाइक्लिन कोई पेशेंट लेता है और उसके बाद मिल्क लेता है तो टेट्रासाइक्लिन वो मिल्क में का कैल्शियम के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है जिसके वजह से टेट्रासाइक्लिन बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता और उसका एंटी माइक्रोबियल और एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी शो नहीं करता तो मिल्क जो है अल्टीमेटली टेट्रासाइक्लिन का एब्जॉर्बशन रिड्यूस करने का काम करता है इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आयरन आल्सो इंटरफेयर विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ टेट्रासाइक्लिन तो अगर टेट्रासाइक्लिन जो है टेट्रासाइक्लिन आयरन के साथ अगर लेते हैं तो आयरन क्या करता है टेट्रासाइक्लिन का एब्जॉर्प्शन को फिर से हैम्पर करता है तो कैल्शियम कंटेनिंग कंपाउंड और आयरन कंटेनिंग कंपाउंड ये टेट्रासाइक्लिन के साथ नहीं लेना है क्योंकि ये दोनों जो है ये टेट्रासाइक्लिन के एब्सॉर्बेशन में इंटरफेरेंस करते हैं जिसके वजह से टेट्रासाइक्लिन उसका एंटी माइक्रोबियल और एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी शो नहीं कर पाता आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन द मैक्म प्लाज्मा लेवल इज रीच विद इन थ्री टू फोर आवर तो जो भी पेशेंट इसे ओरली लेता है और टेट्रासाइक्लिन को ओरली एडमिनिस्टर्ड करता है तो प्लाज्मा में विद इन थ्री टू फोर आवर ये मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन में अवेलेबल हो जाता है दे आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी फ्लूड एंड आर कॉन्सेंट्रेटेड इन लीवर स्प्लीन बोन मैरो एंड लंग्स तो टेट्रासाइक्लिन जो है ये जैसे ही ब्लड में अवेलेबल हो जाता है थ्री टू फोर आवर्स के बाद ये सभी जो ऑर्गन्स है बॉडी के वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और स्पेशली कॉन्सेंट्रेट होता है और स्टोर होता है लीवर में स्प्लीन में बोन मैरो में और लंग्स में और फाइनली जो है ये एक्सक्रीट होता है वाया यूरिन तो ये फार्मेकोकाइनेटिक्स है एब्जॉर्ब डिस्ट्रीब्यूशन एंड फाइनली मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन तो एक्सक्रीशन ये यूरिन के थ्रू होता है अब इसके एडवर्स रिएक्शन हम देख लेते हैं तो इसमें भी इंटॉलरेंस आता है इनटॉलरेंस मीन्स कुछ पेशेंट को ये सूट नहीं करता जैसा ही पेशेंट ने इसे कंज्यूम कर लिया उसमें साइड इफ़ेक्ट और एडवर्स इफ़ेक्ट दिखते हैं जैसा कि स्किन रैशेस हो गया डर्मेटाइटिस हो गया मीन्स इचिंग ऑफ डर्मल लेयर हो गया बुखार हो गया फीवर हो गया एनाफाइलेटिक शॉक हो गया मीन्स पेशेंट को बहुत ही सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हो गई जिसके वजह से पेशेंट कोमा में चला गया और फाइनली डेथ हो गया तो ये चीज जो है एडवर्स इफेक्ट स्ट्रेप्टोमाइसिन सॉरी टेट्रासाइक्लिन के होते हैं बट ये बहुत ही रेयर होते हैं बहुत कम पेशेंट में ये देखने को मिलता है इसके बाद नौशिया वॉमिटिंग इपिगैस्ट्रिक डिस्ट्रेड और डायरिया ये भी सम कॉमन एडवर्स रिएक्शन है टेट्रासाइक्लिन के उसके बाद फैटल हिपेटिक डिसफंक्शन में ऑकर इन पेशेंट रिसी लार्ज डोज ऑफ टेट्रा साइक्लिन तो इससे पहले का जो स्लाइड में हमने डिस्कस किया था कि जो टेट्रा साइक्लिन है आफ्टर एब्जॉर्बशन ये कॉन्सनट्रेट होता है लीवर में स्प्लीन में अगर पेशेंट इसका लार्ज डोज लेता है तो ये लीवर में बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्टोर हो जाएगा जिसके वजह से लीवर जो है ये प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगा और पैनक्रियाज जो है वो भी प्रॉपरली काम नहीं कर पाएगी और इसके वजह से लीवर डैमेज होने का भी चांसेस हो सकता है जिसके वजह से लीवर प्रॉपरली काम नहीं करेगा उसके बाद टीथ और बोन्स पे क्या इफेक्ट होता है तो ये जो है टेट्रासाइक्लिन ये इंटरफेयर करता है कैल्सिफिकेशन इन बोन्स एंड टीथ तो जैसा हमने इससे पहले देखा था कि भाई टेट्रासाइक्लिन कैल्शियम के साथ चिलेट फॉर्मेशन करता है तो चिलेट फॉर्मेशन करेगा तो बोन भी हमारा कैल्शियम से बना है टीथ भी हमारे कैल्शियम से बना है तो जो कैल्सिफिकेशन प्रोसेस होती है बोन्स में और टीथ में वहाँ पे टेट्रासाइक्लिन इंटरफेयर करता है उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉज डिपॉजिशन ऑफ टीथ इन फॉइटल बोन्स विच इज टर्न एडवर्स अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ फॉइटस तो अगर टेट्रासाइक्लिन प्रेग्नेंट वुमन को दिया गया तो ये प्रेग्नेंट वुमन में जो फॉइटस है फॉइटस के बोन में जाके ये डिपॉजिट हो जाता है टेट्रासाइक्लिन और अगर ये टेट्रासाइक्लिन बोन्स में जाके डिपॉजिट हो गया तो कैल्सिफिकेशन का जो प्रोसेस है बोन्स का वहां पे वो इंटरफेयर करेगा और वो जो फॉइटस है उसका ग्रोथ में प्रॉब्लम आ जाएगा इसके बाद प्रिपरेशन में इसका सॉल्ट अवेलेबल है क्लोर टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड थेराबेटिक यूज देख लेते हैं कोलेरा में इसको यूज करते हैं निमोनिया में टेट्रासाइक्लिन को यूज़ करते हैं रेकेट सेल इन्फेक्शन में इसको यूज़ करते हैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में एज अ ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं बैसिलरी इन्फेक्शन में यूज़ करते हैं वी डी डेट इज़ विनरल डिजीज जो कि सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है उसमें भी एज अ ट्रीटमेंट करके यूज़ करते हैं अब इतना इसमें यूज़ क्यों करते हैं बिकॉज इट्स अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट दोनों के अगेंस्ट इफेक्टिव है इसलिए इसके बहुत सारे यूज है इसके बाद प्लेग में इसको यूज करते हैं एक्ने वलगैर में जो एक्ने आते हैं बहुत से लोगों को पिंपल्स और एक्ने आप बोलते हैं उसमें भी इसको यूज करते हैं डिसेंट्री में भी इसका यूज होता है तो इतना सारा इसका यूज़ है बट मेन ड्रॉबैक इसका यही है कि ये कैल्शियम के साथ जो है कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेता है जिसके वजह से कुछ कुछ पार्ट जो है जैसा कि बोन हो गया टीथ हो गया जहाँ पे कैल्शियम बहुत ही मेन रोल प्ले करता है वहाँ पे वो पार्ट्स को और ऑर्गन्स को ये टेट्रासाइक्लिन डैमेज करता है इसके बाद दूसरा ड्रग है क्लोरम फेनिकॉल क्लोरम फेनिकॉल ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है और ये सिंथेटिक कैटेगरी का एंटीबायोटिक है मींस ये क्लोरम फेनिकॉल जो है ये बैक्टीरिया से नहीं बना हुआ है ये टोटली सिंथेसाइज किया हुआ ड्रग हम बोल सकते हैं और एंटीबायोटिक इसे बोल सकते हैं इसका एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी देख लेते हैं द एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोमफेनिकॉल इज सिमिलर टू दैट ऑफ टेट्रासाइक्लिन तो जितना टेट्रासाइक्लिन साइक्लिन कारागर है उतना ही क्लोरोमफेनिकॉल भी कार्यगर है दस इट इज इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म एंड ऑल्सो अगेंस्ट रेकेटसी एंड क्लैमिडिया ऑर्गेनिज्म अब ये रैकेट से जो है ये जो है ऑर्गेनिज्म ये भी इन्फेक्शन प्रोड्यूस करता है और ये जब ब्लड में जाता है तो वेरियस ऑर्गन को ये डैमेज करने का काम करता है वैसा ही क्लामिडिया ऑर्गेनिज्म जो है ये सेक्शुअली ट्रांसमिटेड ऑर्गेनिज्म है और ये ऑर्गेनिज्म और भी डिसीज और इन्फेक्शन प्रोड्यूस करता है बट इसके जो सिम्टम्स है वो दिखते नहीं और इजीली डायग्नोस नहीं होता है तो ये दोनों कंडीशन में क्लोरोमफेनिकॉल भी बहुत अच्छा काम करता है और टेट्रासाइक्लिन भी बहुत अच्छा काम करता है द ड्रग इज लेस एक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव कोकाय देन पेनिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन तो ये ब्रॉड प्रेक्टम है क्लोरोमफेनिकॉल, बट जो ग्राम पॉजिटिव कोकाय जो है इसमें भी ये काम करता है ऐसा नहीं है कि नहीं काम करता है क्लोरोफेनिकॉल काम करता है बट इससे भी अच्छे ऑप्शन जो है वो है पेनिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन। पेनिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन ये ग्राम पॉजिटिव कोकाय पे बहुत अच्छा काम करते हैं एज कंपेयर टू क्लोरॉम फेनिकॉल इसके बाद हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं क्लोरोमफेनिकॉल फेनिकॉल एक्ट बाय इंटरफेरिंग सिंथेसिस ऑफ बैक्टेरियल प्रोटीन तो यहाँ पे भी वही चीज है कि क्लोरोमफेनिकॉल जो है बैक्टेरियल प्रोटीन के सिंथेसिस में इंटरफेरेंस करता है उसके बाद प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ द होस्ट में भी अफेक्टेड तो जिसे इन्फेक्शन हुआ है मीन्स जो पेशेंट को इंफेक्शन हुआ है वो पेशेंट के अंदर जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है वहां पर भी ये क्लोरमफेनिकॉल अफेक्ट कर सकता है और वो प्रोटीन सिंथेसिस में भी क्लोरमफेनिकॉल इंटरफेरेंस कर सकता है इसके बाद लाइक टेट्रासाइक्लिन इट इज़ इसेंशियली बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग तो ये भी जो है बैक्टीरियोस्टैटिक कैटेगरी का ड्रग है बैक्टेरियोसाइडल नहीं है तो टेट्रासाइक्लिन जैसा ही बैक्टेरियोस्टेटिक ये ड्रग काम करता है ये ड्रग का जो रेजिस्टेंस है ये बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत धीरे धीरे डेवलप करते हैं बट टेट्रासाइक्लिन जो है टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट बैक्टीरिया जो है इजीली रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है तो ये एक इसका एडवांटेज है इसके बाद हम एडवर्स रिएक्शंस देख लेते हैं तो एडवर्स रिएक्शन में यहाँ पे भी वही कॉमन इंटॉलरेंस जिसमें स्किन रैशेस ड्रग फीवर एक्सफोलिएटिव डर्मिटाइटिस तीनों को हमने ड्रग देखे स्ट्रेप्टोमाइसिन टेट्रासाइक्लिन क्लोरम तीनों में इंटोलरेंस है स्किन रैशेस कॉमन है फीवर कॉमन है डर्मिटाइटिस कॉमन है एक्सफोलिएटिव डर्मिटाइटिस भी आप उसे बोल सकते हैं तो ये कॉमन एडवर्स रिएक्शन है उसके बाद बोन मैरो पे इसका क्या इफेक्ट है द नाइट्रोबेजिन रेडिकल ऑफ क्लोरोमफेनिकॉल कॉजेज बोन मैरोक्सिसिटी तो नाइट्रो बेंजिन रेडिकल जो है क्लोरोफेडिकल का वो बोन मैरो में टॉक्सिसिटी डेवलप करता है जिसके वजह से पेशेंट में एनीमिया हो सकता है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो सकता है मींस प्लेटलेट काउंट जो है वो कम हो सकता है एनीमिया में रेड ब्लड सेल काउंट कम हो सकता है अग्रैनुलोसाइटिस भी हो सकता है पेशेंट को जिसमें डब्ल्यू काउंट कम हो सकता है इसके बाद अप्लास्टिक एनीमिया भी हो सकता है जिसमें कि पेशेंट का जो बोन मैरो है वो ब्लड सेल सिंथेसाइज नहीं कर पाएगा तो ये जो है बहुत ही सीरियस टॉक्सिक इफ़ेक्ट है क्लोरम फेनिकॉल के स्पेशली नाइट्रोबेंजिन रेडिकल ऑफ क्लोरम फेनिकॉल के उसके बाद ग्रे बेबी सिंड्रोम ग्रे बेबी सिंड्रोम भी हो सकता है

वो बच्चे को भूख नहीं लगती लॉस ऑफ एपिटाइट होता है और वो बच्चा खाता नहीं है जिसके वजह से उसका वेट लॉस भी होता है एब्डोमिनल डिस्टेंशन मीन्स उसका स्टमक और एब्डोमिन जो है वो ऑल टाइम जो है टाइटनेस उसमें रहता है उसे भूख नहीं लगती उसके बाद जो रेस्पिरेशन रहता है मीन्स उस सांस लेना जो रहता है वो बहुत ही उसका शॉलो रहता है मीन्स ऊपर ऊपर से सांस लेता है डीप ब्रीदिंग वो नहीं कर पाता तो ये ग्रेस बेबी सिंड्रोम के कुछ सिम्टम्स है जिसके वजह से हाइपोथर्मिया ग्रेसाइनोसिस शॉक एंड डेथ होता है वो इन्फंट का जिसे भी ग्रे बेबी सिंड्रोम होता है उसमें ये कैरेक्टरिस्टिक दिखते हैं और फाइनली उनमें हाइपोथर्मिया होता है मीन्स उनका बॉडी टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है ग्रे साइनोसिस होता है सांस लेने में तकलीफ होता है फाइनली शॉक में चला जाता है और कोमा में चला जाता है वो पेशेंट और फाइनली उसका डेथ हो जाता है तो ये जो कॉन्सिक्वेंस है ये क्लोरम फेनिकॉल से स्पेशली बच्चों में हो सकते हैं इसके बाद प्रिपरेशंस एंड डोजेस हम देख लेते हैं तो क्लोरम फेनिकॉल इंडियन फार्माकोपिया में ऑफिशियल है इसका 250 फिफ्टी का कैप्सूल है और डोज जो है टू टू थ्री ग्राम डेली इन डिवाइडेड डोज पेशेंट को दिया जाता है मीन्स डेली टू टू थ्री ग्राम देना है पेशेंट को बट जो कैप्सूल है टू फिफ्टी एम का अवेलेबल है मार्केट में मीन्स पेशेंट को हमें कितना देना है चार से छ कैप्सूल्स पेशेंट को देना है इसके बाद क्लोरम फेनिकॉल पालमिटेड सस्पेंशन मार्केट में अवेलेबल है जिसमें वन ट्वेंटी फाइव एम जी जो है ये पर एम एल का सस्पेंशन मार्केट में अवेलेबल है उसके बाद अपथेलमिक ऑइंटमेंट भी मार्केट में अवेलेबल है जिसमें वन परसेंट क्लोरम फेनिकॉल होता है तो ये तीन फॉर्मूलेशन क्लोरम फेनिकॉल के है इसके थेरापेटिक यूजेस हम देख लेते हैं सेम क्लोरोमफेनिकॉल भी टेट्रासाइक्लिन जैसा यूज होता है फॉर ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ बैक्टीरिया जैसा कि प्लेग हो गया कोलेरा हो गया और बहुत सारे जो हमने टेट्रासाइक्लिन में थेरापेटिक यूज़ देखे हैं, उसमें सब में क्लोरम फेनिकॉल यूज होता है इसके अलावा बट इट्स यूज इज रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली द इन्फेक्शन कॉज बाय साल्मोनेला टाइफी एंड पैराटाइफी ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ इट्स बोन मैरो टॉक्सिसिटी तो इसका मेजर ड्रॉबैक कौन सा है बोन मैरो टॉक्सिसिटी तो क्लोरमफेनिकॉल पेशेंट को तभी देना है जब उन्हें इन्फेक्शन हो रहा है साल्मोनेला टाइफी के वजह से या फिर पैराटाइफी के वजह से तो क्लोरमफेनिकॉल भले ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है बट दो ही कंडीशन में इसे प्रिस्क्राइब किया जाता है साल्मोनेला टाइफी के इन्फेक्शन में और पैराटाइफी के इन्फेक्शन में क्यों बिकॉज सभी इन्फेक्शन में अगर क्लोरमफेनिकॉल देंगे तो इसका बहुत बड़ा प्रॉब्लम है बोन मैरो टॉक्सिसिटी ये बोन मैरो में टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करता है जिसके वजह से हमने देखा है एनीमिया प्रोड्यूस होता है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया प्रोड्यूस होता है अग्रैनुलोसाइटोसिस प्रोड्यूस होता है अप्लास्टिक एनीमिया प्रोड्यूस होता है जो कि पेशेंट के बॉडी के लिए अच्छा नहीं है और फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है जिसके वजह से बाकी ऑर्गन्स भी फेलर हो सकते हैं और बाकी ऑर्गन्स में भी इन्फेक्शन ईजीली स्प्रेड हो सकता है तो क्लोरमफेनिकल का स्पेशली यूज़ एसटाइफी और पैराटाइफी के इन्फेक्शन के लिए ही इसके अलावा इट सर्व एज एन इफेक्टिव ट्रीटमेंट रेजिम इन टाइफाइड फीवर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन इन्फेक्टिव मेन एंड प्लेग तो इसके अलावा जो है ट्रीटमेंट रेजिम में भी इसको यूज़ करते हैं जैसा कि टाइफाइड फीवर में भी क्लोरम यूज़ करते हैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी यूज करते हैं इन्फेक्टिव मेन में भी यूज करते हैं प्लेग में भी इसको यूज करते हैं एज ए ट्रीटमेंट रेजिम इसके अलावा इट इज आल्सो इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्राउंड पॉजिटिव ऑक्युलर इन्फेक्शन इन ट्रैकोमा एंड इन वुफिंग कप तो ये जो दो इन्फेक्शन है ऑक्युलर इन्फेक्शन में ट्रैकोमा आता है ये ट्रैकोमा जो है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि आँखों में होता है और जिसके वजह से ब्लाइंडनेस भी आ सकता है ऐसे कंडीशन में एज अ ट्रीटमेंट क्लोरम फेनिकॉल का आई प्रिपरेशन और आई ड्रॉप यूज़ किया जाता है इसके अलावा जो हुपिंग कफ है ये भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसमें क्रोनिक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जिसे बोलते हैं हुपिंग कफ इसमें भी एज अ ट्रीटमेंट क्लोरम फेनिकॉल को यूज़ किया जा सकता है तो यहाँ पे हमारा ये पार्ट खत्म हो गया एंटीबायोटिक्स का इफ यू लाइक द वीडियो देन शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक्स फॉर वॉचिंग गॉड ब्लेस यू